खबर उन्नाव से है, जहां 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर नर सेवा, नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच द्वारा कार्यालय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद को कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई व प्रमुख वक्ताओं द्वारा उनके जीवन व विचारों पर चर्चा की गई व युवाओं को उनसे प्रेरित होकर देश धर्म के लिए कार्य करने का आह्वान किया। नरसेवा, नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच संस्थापक विमल द्विवेदी ने कहा, स्वामी विवेकानंद भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रतिबिंब हैं। भारत जब गुलामी की जंजीर में जकड़ा था, तब उन्होंने भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के ध्वज को सात समंदर पार शिकागो की धर्म संसद में 1893 में लहराया था। साथ ही भारत भ्रमण कर युवाओं में आत्मविश्वास भरने व गुलामी की जंजीर तोड़ने का आह्वान किया था। आज देखिए, नरसेवा, नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों द्वारा आध्यात्मिक महिषी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस पर उनको पुष्प अर्पित कर हम सबने उनको नमन किया है। और जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जिस समय पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय स्वामी विवेकानंद जी द्वारा यह सात समंदर पार शिकागो में सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की पताका फहराने का काम किया था। हम सब लोगों की, लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने आह्वान किया था युवाओं से कि देश और धर्म के लिए कार्य करें। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि आगामी 22 जनवरी को पुनः रामलला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, और उसके लिए हम सबका धर्म बनता, हमारे सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब उसके लिए कुछ कर पाए। आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उन्नाव जनपद में बड़े हनुमान मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सीधा लाइव प्रसारण के लिए स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। सायं 6 बजे महाआरती और 7 बजे आतिशबाजी और पूरे दिन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।